मैं आज आलू का भाजा बनाऊंगी और सोयाबीन का पिसा, सोयाबीन का मसाला कसा और टमाटर का चटनी। मैं सोयाबीन को भी भून रही हूँ, तो थोड़ा भून लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारी न्यू ब्लॉग में स्वागत है, राजन मोनी ब्लॉग में। आई होप कि आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर से जरूर दबाइए, क्योंकि हमारा ब्लॉग पाने के लिए बेल आइकन दबाना पड़ता है, क्योंकि मेरा ब्लॉग आप लोग को रेगुलर मिले। ए सब, जब बोलती तो बेल लाला लाला करती रहती, और क्या बोलना, बोलने नहीं देते लोग, भुला देता है मेरे को। बेल आइकन दलाने मैं भी तुतली वो दबाने के लिए इसलिए कह रहे हैं हम, कि जैसे कि मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने अच्छा नहीं भी लगे तो भी कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे के सजेस्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं, तभी तो हम समझेंगे कि मेरा फ्रेंड्स कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और क्या मेरे ब्लॉग में कमी है, तो हम उसको पूरा करें। आप लोग तो सजेस्ट दीजिए, और मेरा फ्रेंड जितने भी हैं मेरे साथ जो जितने जुड़े हैं वो लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट दीजिए आप लोग। इसको तो मैं भून ली, इसको रख दिए। ए बाबू, एक काम करोगी, थोड़ा सा इसको पकड़ लेने से क्या होता ना, कि थोड़ा हल्दी और मिर्चा और नमक आलू में लगा लेते हैं और तेल डाल देते हैं, थोड़ा देर के लिए रख लो। तुमको भी दिखा, थोड़ा दूर करके कर लो, कोई बात नहीं, मेरे को तो दिखाना ही पड़ेगा, तो मैं तो मैं ही हूँ मोनी, राज की पत्नी मोनी, राज एंड मोनी का ब्लॉग है, तो मेरे को तो रहना बहुत जरूरी है। चलेगा नहीं नहीं, तो मैं नहीं रहूंगी तो तेरा पापा रहेगा, पापा नहीं रहेगा तो तू रहेगी, हम लोग मिक्स करके रहते हैं ना, कभी कभी हम नहीं दिखा सकते अपने को, क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं ना कोई काम के लेके, तो हम सोचते कि फटाफट कर लेते हैं। लूली लाली ला, अब लूली लाली नहीं, अर्ली फिनिशिंग जल्दी करो, काम करो, फोकस। इका बना पकोड़ी ना, आलू का भाजा, प्याज मिर्चा से सुने थे पापा लाया था मिर्चा बाबू, पता नहीं, ये बात तो सही बात है, पता नहीं, तुम भी तो गई थी ना, लाया तो था, पता नहीं कहाँ रखा है, याद नहीं अभी, फोन करके अभी के अभी इसी वक्त पूछूं। ओए, यहाँ पे कितना कचरा, कचरा है तो हम तो बोल रहे हैं, खिलौना फेंकते नहीं है तुम्हारा खिलौना, फिर मेरे को खरीदना पड़ता है, तो खिलौना तो खिलौना को अच्छा से रखो, जो जो रंग बिरंगी डब्बा है उसमें सजाओ, उसे उसे करके रखेंगे तो दुख दिखा, तो दुख दिखा, तो देखने में तो अच्छा लगेगा, प्लास्टिक में कट देखो, अलमारी में कपड़ा सजाओगी तो कितना शोभा बढ़ जाता है, अब उसी को गठरी कपड़ा में, कपड़ा साड़ी में, चद्दर में लपेट कर रखने से अच्छा है कि तुम अलमारी में सजा कर रखो, वैसे कोई भी बास्केट हो उसमें खिलौना सजा कर रखो, या जैसे ही फेंक के रखो, मेरे पास बास्केट नहीं है, अरे बास्केट नहीं तो छोटा छोटा है ना डब्बा, बास्केट हम कहाँ रखेंगे बताइए, मैं बस लोग कमेंट करके बोलते हैं बास्केट का ना, ओए चुप, मैं बस तक तो ग्रीन कलर का है बास्केट, बास्केट है तो हाँ उसे में रखो, ओ, उसी में रखेंगे, मुझे धोने का जरूरत नहीं है, अभी इसी वक्त, ये मेरा डायलॉग है, है मैं बेसन डाल दोगी तो बेसन डाल देंगे ना, क्योंकि अभी ये ना उबला हुआ तो है नहीं, तो कच्चा है, तो क्या करना है इसको, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये दर्द से हम उसको नहीं कर रहे, और भी पतला करना चाहिए था, मेरा मोटा है। हाँ एक तो चिप्स काटने वाले से मिलते हो,
है तो घर में, नानी दी थी ना वो वाला, कहाँ ऑनलाइन मंगाई थी उसे? ओ हाँ वही पे, उसमें है लड्डू। देख लो गिर जा रहा है, वही गंदा वाला मिलाती ही। गंदा नहीं है, घर में कोई गंदा होता है क्या? झोल झक्का उक्का नहीं होता। तुम्हारा लाल पानी भी चले गया उसमें। अरे तो अलता तो लगाना ही पड़ेगा ना पाँव में। देखा पाँव, उतना नहीं दिख रहा है। देखो सामने से। अभी पायल में पहनी नहीं हूँ, पायल से इसलिए तो चांदी लगता, क्योंकि पायल है ना। ये बहुत मैंने सोने से ना बहुत पाँव में गड़ता है, तो चादर में फंस जाता है, पाँव कभी कभी दुखता है ना। तो मेरे पाँव ऐठने लग जाता था, रात को ऐठने लग जाता था। कितना सुंदर दिखते प्याची की है ये ना, कितना सुंदर लगा दिखे दोस्तों। कल अमला के साथ है कि नहीं? बाप रे, कल मेरा बहुत लहरा था, मेरा तो हम खोल ही नहीं पा रहे आँख, पता है? अभी तक मेरा फवारा, अभी मैं तो आज भगाया ही नहीं, आज नहीं मैंने वो वाला झांस तो अभी तक है, क्योंकि हम ना काजल वजल लगाए थे ना उसके वजह से। मेरा तो बन गया, ये है सोयाबीन का मसाला कसा, ये है आलू का भाजा, ये है चटनी टमाटर का, इसमें फसफोरन और मर्चा का फोरन दिए हैं, और इसमें टमाटर डाल दिए, थोड़ा हल्दी डाल दिए और थोड़ा चीनी डाल दिए, इसको भून रहे हैं। पहले तो मैं इसको थोड़ा हल्का फ्राई कर ली थी टमाटर को, और थोड़ा चीनी डाल दिए। आलू का भाजा बना है। पंखा कितना तेज चल रहा है ना संटू, आस्ते करो। ये है सोयाबीन का भाजा मसाला वाला, तो मेरा नन्या को बहुत पसंद है, बोल के हमको बनाना पड़ा। और ये आलू का भाजा बोल रहा कि भुजिया बना निकले, हमने भुजिया क्या बनाते, चल गोल गोल पीस कर भाजा ही बना देते। अच्छा भुजिया खाओ या भाजा खाओ, बात तो एक ही है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही होता है, या गोल खाओ या लंबा खाओ। लंबा वाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाडो? जो लंबा है जैसे कि होता है ट्रायंगल, हाँ उसको इंग्लिश में, मतलब लंबा जो होता है डंडा जैसा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नैक्स। बाप पगली वो नहीं, हाँ उसको तो वही नाम है, सर मतलब नहीं सर क्या बोलते, मैं तो भूल ही गई। सर्कल ट्रायंगल्स ऐसे बोलते हैं ना, वही हम बोल रहे हैं। तो हम लंबा जो डंडा उसे काट नहीं बोलते, कि लिखने के बाद बोलते नहीं कि खड़ी पाई, तो खड़ी पाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वही हम पूछ रहे हैं। हम मैम को पूछेंगे, तो ट्यूशन वाली मैम को, ठीक है कि ट्रायंगल जैसे खड़ी पाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बस इसमें पानी डाल देते सीजने के लिए, हल्का से सीजेगा, कोई कोई टमाटर होता है ना ऐसा पूरा घोड़ा आ जाता है। ये पता नहीं देसी है ना कि बेदेसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीजने डाल दिए, हो जाने दीजिए। क्या बोल रहे लाडो? पंखा तो तुम इतना स्पीड चलाए ना, मेरा ब्लॉग में आएगा ना पंखा। अब तू तेल ऐसे रखिए, ढक्कन तो लगेबी नहीं कि मुंह पर पूरा बह जाएगा रे। देखो अभी ढक्कन का ना मुंह कस आया, अब इसे बिगाड़ दो। हम नहीं बिगाड़ रहे हैं, जस्ट हम उसको देखे मुंह खोला हुआ तो गिर जाता।
पता नहीं कहाँ ढुका हुआ था, तू ढुका दो तू, अभी उसको मत भरो, अभी हमको लगेगा हम कहाँ। चलिए दोस्तों, कल एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, नहीं उनको सब्सक्राइब नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, बाय बाय। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा ब्लॉग देखना है, हम तो मैंने मेरा मिक्स ब्लॉग है, और आप लोग लाइक अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, लाइक करना बनता है, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो बाय बाय बाय। मेरा अनन्या देखो गर्मी से भीग गई है, क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो हम उसको बोले बाबू पंखा बंद कर दो, चला ले रही है फिर भी हम उसको बोले बंद कर दो।